Today we are going to discuss about the endangered species category and the criteria by which various species have been categorized into various categories, like into various classes, depending upon the extinction and rate of regeneration. So basically, to highlight the legal status of some rare species or endangered species for the purpose of their conservation, the International Union of Conservation of Nature and Natural Resources, जिसको हम IUCN भी कहते हैं, उन्होंने एक जो है कैटेगरी बनाई, basically more or less पांच जो कैटेगरीज है, like extinct, endangered, vulnerable, rare and insufficiently known species. तो जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स IUCN, जिसको हम वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी कहते हैं, WCN भी कहते हैं, तो ये फॉर्म हुई थी 1948 में. तो इसका जो बेसिकली इट इज प्राइमियर कोऑर्डिनेटिंग बॉडी फॉर इंटरनेशनल कंजर्वेशन एफर्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, जो डिफरेंट कंट्रीज है उसमें डिफरेंट स्पीशीज की कंजर्वेशन जो स्ट्रेटजीज है, उसमें जो प्रोग्राम्स है, उसको कोऑर्डिनेट करता है बिटवीन वेरियस कंट्रीज. लाइक एक स्पीशीज जो होती है दैट कैन बी शेयर्ड बाय डिफरेंट कंट्रीज, सो उन कंट्रीज में उसका जो कंजर्वेशन उसको कोऑर्डिनेट करती है IUCN. तो उन्होंने एक कैटलॉग बनाया है फॉर वेरियस स्पीशीज, लाइक उन्होंने एक जिसको हम रेड डेटा बुक भी बोलते हैं. रेड डेटा बुक में क्या होता है, जहाँ पे ये लिस्टेड ऑफ स्पीशीज कैटेगरीज है, जैसे चाहे एक्सटिंक्ट है, एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, रेयर स्पीशीज है, एंड लास्ट वन इज इनसफिशिएंटली नोन, जिसको हम जिसके बारे में हमारे पास बहुत कम इंफॉर्मेशन है. तो ये स्पीशीज को इन कैटेगरीज में हर साल अपडेट करते रहते हैं बेस्ड ऑन कि उनका जो है रेट ऑफ एक्सटिंक्शन इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, उनके कंजर्वेशन मेथड्स, उनका जो कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज है, इंप्रूव हुए हैं, डिक्लाइन हुए हैं, उसके बेसिस पे. तो इन्होंने IUCN ने जो कैटेगरीज बनाई है, दैट इज फर्स्ट वन इज एक्सटिंक्ट स्पीशीज, मींस कोई भी ऐसी स्पीशीज, चाहे प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, वो ना ही नेचर में पाई जाती है, ना ही इन ह्यूमन ऑक्यूपेंस में, चाहे जूज में, चाहे बॉटनिकल गार्डन्स में, जूलॉजिकल गार्डन्स में, ह्यूमन कैप्टिविटी में नहीं पाई जाती है. दोनों जगह नहीं पाई जाती है, मतलब उसका जो है नामो निशान मिट गया दुनिया से. दैट स्पीशीज इज कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीशीज. तो इसमें हम जानते हैं वन ऑफ द एक्सटिंक्ट स्पीशीज डायनासोर्स, जिसका कोई भी जो है इंडिविजुअल लाइव नहीं है वर्ल्ड पे, बट देर आर सम फॉसिल्स जहाँ से हम उसको देख सकते हैं, उसके DNA वगैरह को देख सकते हैं, बट वी कैन नॉट रिजनरेट दैट डायनासोर्स फ्रॉम दैट पीस ऑफ DNA. देन सेकंड इज एंडेंजर्ड स्पीशीज. तो किसी भी स्पीशीज को एंडेंजर्ड तब कहा जाता है व्हेन इसके जो नंबर्स है टू द क्रिटिकल लेवल. अब इसका जो क्राइटेरिया है कि किस बेसिस पे एक स्पीशीज को एंडेंजर्ड कहेंगे, वल्नरेबल कहेंगे, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट स्लाइड. बट पहले एक जनरल आउटलाइन मैं आपको देना चाहता हूँ कि एक एंडेंजर्ड स्पीशीज में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डिक्रीज हो जाते हैं टू ए क्रिटिकल लेवल. तो उसके बाद जो है अगर उसके जो जो कंजर्वेशन में जो है कोताही बरती गई, उसमें कंजर्वेशन नहीं की गई, देन दैट कैन गेट एक्सटिंक्ट, गेट एक्सटिंक्ट इन नियर फ्यूचर. देन नेक्स्ट इज द वल्नरेबल स्पीशीज. तो एक स्पीशीज को वल्नरेबल तभी कहा जाता है जब इसमें कंटिन्यूस डिक्लाइन ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन. हैबिटेट डिस्ट्रक्शन वो तरीकों से होता है जैसे हमने पिछले क्लासेस में भी डिस्कस किया, चाहे पोल्यूशन से होता है, फ्रेगमेंटेशन से होता है, क्लाइमेट चेंज से होता है, देन और एक्सप्लॉयटेशन जो हंटिंग पोचिंग या माइनिंग ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, उसकी वजह से भी होता है. तो ये सब स्पीशीज की वजह से भी जो है कुछ कुछ स्पीशीज वल्नरेबल स्पीशीज बन जाती है. एंड देन लास्ट वन इज द स्पीशीज दैट इज सेड टू बी रेयर, मींस कि वो किसी भी लोकलाइज्ड और रेस्ट्रिक्टेड एरिया में पाई जाती है, उसको हम रेयर स्पीशीज कहते हैं. ये जो कैटेगरीज है, एक्सटिंक्ट, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल स्पीशीज एंड रेयर स्पीशीज,
इसके क्या डिफिनेशंस है वो तो मैंने डिस्कस किया आपसे, बट इसी क्राइटेरिया है, किन क्राइटेरियाज पे एक स्पीशीज को इन जो है डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, उसमें क्या कितनी रिड्यूस हो रही है, उसमें ज्योग्राफिकल एयर रेंज जो है उनका जिसमें वो अवेलेबल है, बेसिकली अगर किसी का हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो गया मीन्स कि उसका ज्योग्राफिकल एरिया जो उसका हैबिटेट है कम हो जाता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, देन दैट ऑल्सो कैन लीड टू द थ्रेटनड स्पीशीज, जो ये जो सारी जो लिस्ट है दीज आर द थ्रेटनड स्पीशीज एंडेंजर्ड स्पीशीज। अब इसके बावजूद अगर किसी की जो पॉपुलेशन कम है उसका साइज कम है तो वो भी डिक्लाइन हो रहा है, उसकी वजह से भी जो है इनको कैटेगराइज किया जाता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल स्पीशीज में। और वेरी स्मॉल पॉपुलेशन जैसे फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट्स है, इसका साइज बड़ा होता है, फॉर एग्जाम्पल इसमें साइज बड़ा होता है एंड देन इट नीड्स ऑल्सो लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, जो एलिफेंट्स होता है, तो इसका जो रेट ऑफ एक्सटिंक्शन अगर इसमें कंजर्वेशन नहीं की जाएगी देन इट कैन लीड डियर जो है एंडेंजर्ड बन जाएंगे या वल्नरेबल बन जाएंगे। और भी अदर जो है क्राइटेरियाज है जिसके बेसिस पे जो हम इन स्पीशीज किसी भी स्पीशीज को जो है इन कैटेगरीज में जो है डाल सकते हैं। अब इसमें क्या क्राइटेरियाज हम यूज करते हैं, जो स्टैटिस्टिकल क्राइटेरियाज है एक स्पीशीज को हम कैसे बता सकते हैं दैट इज वल्नरेबल। बेसिकली जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर द एंडेंजर्ड स्पीशीज, वल्नरेबल स्पीशीज, रेयर स्पीशीज, देन यू शुड मेंशन दीज क्राइटेरियाज। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे डिडंट मेंशन, वो यहाँ पे ये वाले क्राइटेरियाज मेंशन करते हैं एग्जामिनेशन में, बट दैट इज टोटली रॉन्ग। तो यहाँ पे ये वाले क्राइटेरियाज आपको मेंशन करने हैं बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन रिडक्शन, ज्योग्राफिकल रेंज कितना है उनका, पॉपुलेशन साइज कितना है, पॉल्यूशन पॉपुलेशन रेस्ट्रिक्शंस है, देन एक्सटिंक्शन प्रोबेबिलिटी कितनी है। फॉर एग्जाम्पल लीस्ट कंसर्न, कोई स्पीशीज जो हमारे पास बहुत इन अबंडेंट क्वांटिटी ऑस्मोपॉलिटन है मीन्स ऑल ओवर वर्ल्ड पाई जाती है, तो फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस दे आर वाइड स्प्रेड एंड अबंडेंट पॉपुलेशन। तो यहाँ पे किसी भी अगर आप जनरल विदाउट एथनिसिटी एंड विदाउट रेस एंड विदाउट द कम्युनिटी की बात करते हैं देन ह्यूमन पॉपुलेशन विद रेस्पेक्ट टू द एंडेंजर्ड स्पीशीज इज लीस्ट कंसर्न। वैसे डिफरेंट बर्ड्स है जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टारलिंग है, स्पैरो का रिसेंटली कुछ हुआ था बट बिकॉज ऑफ द टॉवर्स, क्रो है, ईगल्स है, बट दीज स्पीशीज आर अबंडेंट, दे आर वाइड स्प्रेड, तो इसके बारे में हम लीस्ट कंसर्न है। देन नियर थ्रेटनर स्पीशीज, वो स्पीशीज जो आगे आने वाले फ्यूचर में इन वाले किसी भी कैटेगरी में आ सकती है, ये वाली कैटेगरीज को क्वालिफाई कर सकती है नियर फ्यूचर में बेस्ड ऑन कि उसमें पॉपुलेशन रिडक्शन कितना हो रहा है, ज्योग्राफिकल रेंज जो ऊपर वाले जो पांच क्राइटेरियाज है इसके बेस पे ये इसमें क्वालिफाई हो सकता है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि जो वल्नरेबल स्पीशीज है, एक स्पीशीज को वल्नरेबल स्पीशीज कैसे हम कह सकते हैं, हाउ कैन वी से एनी स्पीशीज इज अ वल्नरेबल स्पीशीज इफ देयर इज 30-50% पॉपुलेशन डिक्लाइन। आप ये नोट कर सकते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी स्पीशीज में अगर 30-50% पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है एंड देन ज्योग्राफिकल एक्सटिंग रेंज जो है उसका दैट इज विद इन लेस देन 20,000 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड जो उसका ऑक्यूपेंसी है बेसिकली जो 20,000 जिस एरिया में वो माइग्रेशन वगैरह करते हैं एक सीजन से दूसरे सीजन में, बट एक्चुअली एट द प्रेजेंट एक पीरियड ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम में वो किस कितने एरिया में अवेलेबल रहते हैं दैट इज अराउंड लेस देन 20,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। देन इसके जो पॉपुलेशन साइज है इसमें मैच्योर इंडिविजुअल्स दे आर कैपेबल फॉर द रिप्रोडक्शन दे आर लेस देन 10,000, देन पॉपुलेशन रेस्ट्रिक्शन 1,000 से कम मैच्योर इंडिविजुअल्स होंगे या उसमें जो ऑक्यूपेंसी होगी ये जो वाला 20 किलोमीटर से कम जो है एरिया में ये रेस्ट्रिक्टेड होंगे। बट इनके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट ये वाला क्राइटेरिया मोस्ट ऑफ द ऑथर्स जो मेंशन करते हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन है दैट इज 10% विद इन द 100 ईयर्स, मीन्स कि 100 साल में 10% उसके चांसेस है वो एक्सटिंक्ट हो जाए वो स्पीशीज,
ये वाले क्राइटेरिया के मतलब उसके अलावा ये इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है, ये सबको मिला के ये क्राइटेरिया बनाया गया है कि किसी भी स्पीशीज के जो चांसेस है वो 10% है एक्सटिंक्ट होने में विद इन 10 ईयर्स, दैट स्पीशीज इज वल्नरेबल स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल मीन्स कि आज कोई स्पीशीज है बिकॉज ऑफ सर्टन प्रेशर्स जिसमें उसका जो पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है, तो हो सकता है अगर उसकी जो है रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है दैट इज 10%, तो विद इन 100 ईयर्स दैट जो है वो आ जाएगी जिसमें एंडेंजर्ड या एक्सटिंक्ट स्पीशीज में। सेम जिसमें एंडेंजर्ड स्पीशीज में इसमें और भी सीरियस क्रिटिकल इश्यूज होते हैं, मींस कि यहाँ पे पॉपुलेशन रिडक्शन और भी ज़्यादा डिक्लाइन होती है 50 to 70%, यहाँ पे 30 to 50 है, यहाँ 50 to 70%, और यहाँ पे ज्योग्राफिकल रेंज है और भी कम हो जाता है 5,000 ऑकरेंस एंड देन ऑक्यूपेंसी इज अराउंड 500 स्क्वायर किलोमीटर्स, और मैच्योर इंडिविजुअल्स भी 2,500 के आसपास होते हैं, एंड देन जो एक्सटिंक्शन प्रोबेबिलिटी है वो भी इंक्रीज होती है, मीन्स 20% विद इन 20 ईयर्स, और कि जब 5 जनरेशन्स के बाद वो ख़त्म हो जाएगी वो स्पीशीज, मीन्स कि उसके जो 5 जनरेशन्स आएंगी वो उस 5 ही जनरेशन के बाद वो स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएगी, दैट इज़ द एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का क्राइटीरिया है। देन क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जिसमें रेट ऑफ जो है पॉपुलेशन जो डिक्रीज है दैट इज़ अराउंड 80 to 90%, और जो उसका ज्योग्राफिकल रेंज है दैट इज़ 100 स्क्वायर किलोमीटर्स, और जो इसका जो रेट ऑफ प्रोबेबिलिटी है एक्सटिंक्शन प्रोबेबिलिटी है 50% in 10 ईयर्स, मीन्स कि 10 साल में आधी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी या 3 जनरेशन्स के बाद पूरी जो है उसका जो इंडिविजुअल्स कोई भी अवेलेबल नहीं रहेगा ऑन द अर्थ। देन कुछ और स्पीशीज़ है जैसे एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, अब कुछ स्पीशीज़ होती है जो नेचर में नेचुरल एनवायरनमेंट में जो है वो नहीं पाई जाती है, बट इन ह्यूमन कैप्टिविटी जैसे जोलॉजिकल गार्डन्स, बॉटनिकल गार्डन्स, बेसिकली एक्ससीटू कंजर्वेशन जिसको हम कहते हैं आउट ऑफ द प्लेस, उसमें वो पाए जाते हैं, बट इन नेचर जो वहाँ पे वो बेसिकली ओरिजिनेट हुए हैं वहाँ पे वो एक्सटिंक्ट हुए, उसको कहते हैं एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। तो वो भी है, ये तो मतलब कुछ कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं इन ह्यूमन कैप्टिविटी, तो इसको हम बेस्ड ऑन डिफरेंट रिगरस एंड वेरी इंटेंस कंजर्वेशन मेथड्स या रिप्रोडक्शन या रिजनरेशन मेथड्स से उसको फिर से हम ला सकते हैं, बट इट विल टेक वे ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एंड टाइम, फिर एक्सटिंक्ट जिसका कोई भी इंडिविजुअल अवेलेबल नहीं हो। तो ये जो क्राइटेरियाज है मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस वन द एक्सटिंक्शन प्रोबेबिलिटी एंड पॉपुलेशन रिडक्शन, ये दो अगर आप याद रखेंगे देन यू कैन ईजिली डिफाइन वट इज़ द वल्नरेबल स्पीशीज, वट इज़ एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड वट आर द अदर क्रिटिकल एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड स्पीशीज। अब एंडेंजर्ड स्पीशीज इन इंडिया तकरीबन जो प्लांट्स है इन इंडिया में तकरीबन 450 जो है प्लांट स्पीशीज जो है एंडेंजर्ड है बेस्ड ऑन दिस कैटेगरीज, और अबाउट 100 मैमल्स एंड 150 बर्ड्स आर एंडेंजर्ड, और इनके सारे वजूहात वही है जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया, दैट इज़ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, डिग्रेडेशन बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, और जो हम एलियन स्पीशीज आती है इंट्रोड्यूस्ड स्पीशीज बाहर जो कंट्रीज से लाते हैं, जो यहाँ पे जब वो ग्रो करते हैं वो कम्पीट करते हैं विद इंडिजिनियस स्पीशीज, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो ओवरटेक करते हैं इंडिजिनियस स्पीशीज को एंड देन दे गेट एक्सटिंक्ट, एंड एट लार्जर लेवल एट ग्लोबल लेवल क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द वेरी क्रिटिकल फैक्टर दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द हैबिटेट डिस्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ जो टेम्परेचर्स इंक्रीज होते हैं या और डिक्रीज होते हैं बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैस लेवल्स, जो है टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो उसकी वजह से भी जो है कुछ कुछ स्पीशीज एंडेंजर्ड हो जाती है। अब अगर ग्लोबल सिनेरियो हम देखेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये डेटा है IUCN का ही है, रेड लिस्ट जो डेटा बुक है 2007 से 19 तक, इसमें जो है नंबर ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज कैसे इंक्रीज हुई है, 2007 में 7,851 थी एंड देन इन 2019 दे आर 4,000
13,234, तो ये और भी इंक्रीज हो गया होगा। 2 साल का डेटा अवेलेबल नहीं था, वरना मैं वो भी दिखाता आपको। बट यहाँ पे ये जो लाइट ब्लू है, दैट सिंबलाइजेस द फिश, मीन्स कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिश की जो है स्पीशीज है, दे गेट एंडेंजर्ड। एंड यहाँ पे जो ब्राउन है, मोलस्क जो स्नेल्स वगैरह है उनका, रेप्टाइल्स भी है, इनका भी डिक्रीज हुआ। ओवरऑल जितनी भी कैटेगरीज है, चाहे मैमल्स हो, मैमल्स में उतना प्रेशर नहीं है, बट मोर प्रेशर विद आर ऑन रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, जो स्पीशीज है ज़्यादा जो है एंडेंजर्ड हो गई ओवर द पीरियड ऑफ दिस 1, 2, 3, 4, 5, 6 years, 6 साल में इतना डिफरेंस हुआ है। देर इज 100% इंक्रीज इन द एंडेंजर्ड स्पीशीज, नंबर ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। अब इसमें इसकी कंजर्वेशन में, जैसे मैंने IUCN कहा आपको, रेड लिस्ट डेटा बुक है वो प्रोवाइड करती है। इन्होंने ये प्रोजेक्ट किया था स्टार्ट इन 1964 में, ये डिफरेंट स्पीशीज को कैटेगराइज करते थे बेस्ड ऑन वेरियस जो हमने कैटेगरीज अभी बताई आपको। तो इन्होंने 1978 में प्लांट्स के लिए ये जो है कैटेगरीज में मेंशन करना स्टार्ट कर दिया, एंड एनिमल्स को 1988 में स्टार्ट किया। तो ये बेसिकली इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स रेड डेटा बुक, ये क्या होता है? बेसिकली प्रोवाइड्स अवेयरनेस टू द डिग्री ऑफ थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी। ये हमें बताता है, जब हर साल जो लिस्ट है अपडेट हो जाता है, तो इससे हमें पता चलता है कि एक जो है साल में कितनी स्पीशीज वल्नरेबल हो गई, कितने एंडेंजर्ड हो गए, कितने एक्सटिंक्ट हो गए, तो हमें उसके बारे में अवेयरनेस देता है। एंड देन उसके बाद एक ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइड करता है फॉर द डिक्लाइनिंग ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, और उसकी कॉजेज भी देता है, और द कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, और ये कुछ स्पीशीज के जो है आइडेंटिफाई करता है हाई रिस्क ऑफ द एक्सटिंक्शन, और उसके बाद इनमें क्या क्या कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज होनी चाहिए वो भी प्रोवाइड करता है। और उसके अलावा ये डिफाइनिंग कंजर्वेशन प्रायोरिटीज एट लोकल लेवल्स, फॉर एग्जांपल कोई भी स्पीशीज एक लोकल लेवल पे एंडेमिक स्पीशीज उसको बोलते हैं, वो किसी लोकलाइज्ड एरिया में पाया जाती है, उसको लोकल लेवल पे कैसे कंजर्व करना है वो इंफॉर्मेशन भी हमें ये प्रोवाइड करता है। तो IUCN जो है इनिशिएट हुआ था, जैसे मैंने आपको कहा था 1964 में इसने काम स्टार्ट किया, बट इट वाज इनिशिएटेड इन 1963। तो इसने फिर जो कंजर्वेशन स्टेटस जो स्पीशीज का है इवेलुएट करता है टाइम टू टाइम। तो द जो है ये वेरी जो रेड डेटा बुक है ये वेरी कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट है, तकरीबन 18,000 स्पीशीज का जो है इसमें एनलिस्ट किए गए हैं, जिसमें कम अज कम एटलीस्ट 11,000 स्पीशीज जो है थ्रेटनेड स्पीशीज, जो भी इसमें स्पीशीज मेंशन की गई है उसमें थ्रेटनेड स्पीशीज है 11,000। थ्रेटनेड स्पीशीज वही जो कैटेगरीज में मैंने मेंशन किया, जिसमें एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, एक्सटिंक्ट, वो जो स्पीशीज आती है वो उसी में आते हैं थ्रेटनेड कैटेगरीज में। तो इंडिया में जो बायोडाइवर्सिटी थ्रेट है, जिसकी पहले मैंने बताया, दैट इज बिकॉज ऑफ द हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, फ्रेगमेंटेशन और एक्सप्लोइटेशन। तो अकॉर्डिंग टू रेड डेटा बुक 44 प्लांट स्पीशीज आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये इंडिया की बात है, एंड 54 एंडेंजर्ड है, एंड 143 वल्नरेबल है। मीन्स की 44 प्लांट स्पीशीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, 54 एंडेंजर्ड है। तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल का जो क्राइटेरिया है जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको बता दिया। इंडिया रैंक्स सेकंड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ थ्रेटनेड मैमल्स, मैमल्स में जो स्पीशीज है कैटेगरीज है उसमें इंडिया नंबर 1 पे है, एंड 6th अमंग द इन द बर्ड्स, बर्ड्स के लिहाज से 6th नंबर पे है। ये डिजिग्नेट करता है कि यहाँ पे कितना प्रेशर है बायोडाइवर्सिटी पे, पर्टिकुलरली इन मैमल्स एंड इन बर्ड्स। तो उसमें जैसे हिमालयस में पिचर प्लांट्स बिकम एंडेमिक इन ईस्टर्न हिमालयस, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है इंडिया का पोर्शन, तो ये पिचर प्लांट्स वहीं पे जो है पाए जाते हैं। पिचर प्लांट्स बेसिकली वो उसमें पॉट जैसा होता है, उसमें एक लिड होते हैं जिसमें वो इंसेक्ट कैच करता है फॉर नाइट्रोजन पर्पस। तो ये पूरे इंडिया में
जो है अवेलेबल नहीं है, बट इट इज़ ओनली अवेलेबल इन ईस्टर्न हिमालय, एंडेमिक टू द हिमालयन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एंडेमिज्म। तो उसके अलावा वॉल्चियाना इज बिकम अंडर रेड डेटा कैटेगरी ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ये भी एक प्लांट स्पीशीज है, बिकॉज ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन ये भी जो है रेड डेटा बुक में आ गया। अब इम्पॉर्टेंट एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन कौन सी है, जैसे रेप्टाइल्स में टोर्टाइज है, ग्रीन सी टर्टल है, पाइथन है, बर्ड्स में पीकॉक है, पेलिकन है, इंडियन बस्टर्ड है, ये सब इंडिया की बात कर रहा हूँ। हो सकता है यू विल बी आस्क्ड गिव द लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ वेरियस स्पीशीज अंडर जो है एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती हैं इन इंडिया, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, तो यू शुड बी नोइंग। ये ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछा जाता है। मैमल्स में इंडियन वुल्फ, रेड फॉक्स, टाइगर, इंडियन लाइन, गोल्डन कैट, डेजर्ट कैट, ये सब आते हैं। प्राइमेट्स में हूलॉक, गिबॉन, कैप्ड मंकी, गोल्डन मंकी आता है। प्लांट्स में सैंडलवुड, जिसको हम चंदन भी बोलते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स को जाते हैं। तो उस ये फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल, जो मैंने वही कहा, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज, जो भी जो जब हम कंजर्वेशन करते हैं किसी भी स्पीशीज को, उसको पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लीड्स टू द डिग्रेडेशन ऑफ द स्पीशीज या डिक्लाइन इन द बायोडाइवर्सिटी। तो वो हमेशा इंटरलिंक्ड होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टूवर्ड्स द पॉल्यूशन और एक्सप्लॉयटेशन क्लाइमेट चेंज, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन से बहुत सारी स्पीशीज जो है जो डिक्लाइन हो गई बिकॉज ऑफ द पॉइजनस गैसेस। फॉर एग्जाम्पल, सल्फर डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन अगर इंक्रीज हो गई, ये कुछ बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स भी हैं। अगर किसी भी जगह सल्फर डाइऑक्साइड, जहाँ पे कोल वगैरह ज़्यादा यूज़ होता है, चाहे वो ब्रिक लिंग्स में हो या फैक्ट्रीज में यूज़ हो, वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड किसी भी जगह का प्रेजेंट रहेगा तो वहाँ पे लाइकन्स जो होते हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे। लाइकन्स होते हैं जो प्लांट्स जो ट्रीज ट्रंक्स पे होती है, वो ब्राउन कलर, ये ब्राउन कलर नहीं, ग्रीन कलर के जो छोटे छोटे धब्बे होते हैं, कभी के वो ग्रे कलर के भी होते हैं। दैट आर द ब्यूटीफुल जो है वो इंडिकेट करते हैं, ब्यूटीफुली इंडिकेट करते हैं द प्रेजेंस ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड। और वैसे ही डिफरेंट पोल्यूशन, चाहे वाटर में हो चाहे एयर में हो, उसकी वजह से भी डिफरेंट स्पीशीज जो होती है एक्सटिंक्ट हो जाती है, वो झेल नहीं पाते। बट नेचर ने हमेशा किसी भी पोल्यूशन को जो है कम करने के लिए स्पीशीज बनाई है, चाहे वो हैवी मेटल्स हो, चाहे एयर में हो पार्टिकुलेट मैटर्स हो, हाइड्रोकार्बन्स हो। तो नेचर में हमें वो आइडेंटिफाई करना होता है कौन स्पीशीज जो है किस पोल्यूटेंट के लिए बनी गई है। देन ओवर एक्सप्लॉयटेशन, चाहे वो डिफॉरेस्टेशन हम कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, या और भी जो हंटिंग पोचिंग कर रहे हैं उसकी वजह से भी। एंड देन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज से क्या होता है, ओवरऑल जो ग्लोबल टेम्परेचर है इंक्रीज हो जाते हैं। आजकल भी आप देख सकते हैं इन जो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ कश्मीर वैली दे आर हैविंग हेल स्टॉर्म, हेल जो ओले पड़ते हैं, उसकी वजह से भी जो है बहुत सारे जो है फसल फसल का है वो नुकसान हो जाता है। ऐसे ये एक क्लाइमेट चेंज का एक इंडिकेशन है, कभी भी जो है समर्स में ज़्यादा रेनफॉल हो जाएगी एंड देन द टेम्परेचर विल गेट मीन्स अराउंड 5-10 डिग्री सेल्सियस। कुछ साल पहले बारिश बहुत हुई थी समर्स में, तो टेम्परेचर ऐसा था जैसे विंटर चल रहा था समर्स में। तो आज इस साल तो गर्मी ज़्यादा है, हो सकता है अगले साल इससे भी ज़्यादा हो। यूजुअली कश्मीर वैली में अगर टेम्परेचर 20-32 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता था तो रेनफॉल हो जाती थी, आजकल तो 34 के आसपास भी जाता है, बट स्टिल देयर इज़ नो रेनफॉल। तो ये सारे जो है इंडिकेटर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसकी वजह से भी, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो फॉरेस्ट फायर्स ज़्यादा होंगे, उसकी वजह से भी स्पीशीज जो है उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब इसके क्या रेमिडीज़ है, ये तो हम पहले, ये तो कंजर्वेशन पे हम बता सकते हैं कि हम पोल्यूशन कम करें और ओवर एक्सप्लॉयटेशन कम करें एंड क्लाइमेट चेंज को, तो एक जो है ग्लोबल प्रोजेक्ट होना चाहिए जिसमें हम डिफरेंट जो भी अर्थ समिट्स वगैरह होती है या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होते हैं रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज, जिसमें हम डिफरेंट स्ट्रेटजी से पेरिस एग्रीमेंट होता है या क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म होता है, क्योटो प्रोटोकॉल होती है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट यूनिट में। तो उसमें डिफरेंट कंट्रीज को बताया गया जाता है कि आप इतना कार्बन डाइऑक्साइड कम रिलीज कीजिए, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ग्लोबल टेम्परेचर डिक्रीज होता है, नॉर्मल हो जाता है। बट उसके अलावा लीगली हम कैसे जो है
अपनी जो स्पीशीज जो एंडेंजर्ड होती है, थ्रेटनड होती है, उसको हम कंजर्व कर सकते हैं। इनमें एक ट्रीटी है जिसको कहते हैं साइट्स इन शॉर्ट फॉर्म, उसको कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो ये 1973 में हुई थी, जिसमें तकरीबन 160 कंट्रीज ने साइन किया गया था। तो इसमें तकरीबन 900 स्पीशीज़ को एनलिस्ट किया गया जिसको हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंट्री से दूसरी कंट्री नहीं ले जा सकते, स्मगलिंग होती है, चाहे वो बर्ड्स की हो, रेप्टाइल्स की हो, तो हम इसको एक कंट्री से दूसरी कंट्री बेच नहीं सकते। तभी इन स्पीशीज़ का इंटरनेशनल मार्केट में बहुत वैल्यू होता है। या कुछ स्पीशीज़ के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे एलिफेंट्स के जो टस्क वगैरह होते हैं, राइनोसोर्स के जो उसका सींग होता है, उसका हम जो है ट्रेड नहीं कर सकते। उसके अलावा ये रेस्ट्रिक्ट करता है तकरीबन जो है 2900 स्पीशीज़ का इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये एक ग्लोबल लेवल पे हम कैसे जो है स्पीशीज़ को विद द हेल्प ऑफ लॉ, ये पूरी जितनी भी कंट्रीज ने साइन किया है, 196 कंट्रीज है तकरीबन वर्ल्ड में, उसमें 160 कंट्रीज ने साइन किया है इस ट्रीटी को। तो इट इज़ वन ऑफ द क्रूशियल एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रीटीज रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ द डायवर्सिटी।